व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। Pulling up black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking. Hello everyone, welcome back to my new vlog. So, भाई आपका भाई Gaurav Data फिर एक बार आपके सामने आते हुए नए vlog के साथ में. So, भाई अपना घर से निकल चुके हैं नहा धोकर के और जिम विम जा करके अपना पूरा दिन का शेड्यूल जैसा होता है वैसे ही रहा और अब फिलहाल अब नहा धोकर अपना घर से निकल चुका हूँ. जा कर आ रहा हूँ भाई, अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. बस अभी एक भाई से मिलना है, उनसे मिलने के बाद फिर आपको बताता हूँ. भाई मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ कि जिनकी मैं अगर स्टडी के मामले में तारीफ करूँ ना, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम. तो आपको मैं मिलवाता हूँ पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे. तो ये है हमारे एडवोकेट साहब अभिलाष भाई और आज इनसे मिलना हुआ बस किसी टॉपिक को लेकर के और बहुत अच्छा लगा. भाई ने बहुत अच्छे से गाइड करा मेरे को. अगर कभी इन फ्यूचर आपको भाई इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई भी कुछ भी इशू हो ना तो आप कमेंट कर देना इस पे और आपके सारे इशू क्लियर हो जाएंगे. भाई कुछ आप भी बताओ अपने बारे में. मैं अभिलाष, मैं पेशे से तो वैसे अध्यापक हूँ और मैं एनजीओ चलाता हूँ. मेरा लिटिल सीड्स एनजीओ है जो कि पूर्वी दिल्ली में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए कार्य करता है. और मेरा गौरव भाई है, मुझे बहुत टाइम से जानते हैं और मैं भी गौरव भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. इतने मतलब अच्छे नेचर के, इतने अच्छे व्यक्ति है ये. कहीं भी दिखूंगा, कहीं भी होगा हम लोगों की आपस में मतलब दुआ सलाम होगी, कहीं पर मिलते हैं. तो इनका जो नेचर है, मैं इनका नेचर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ. देखिए हम अभी ऐसे ही मिले हैं तो हम लोग आपस में मिले, बातचीत करी. तो मैं गौरव भाई, मैं तो चाहता हूँ कि अपने जीवन में, मैं तो चाहता हूँ गौरव भाई को अपना नेता बनता देखना चाहता हूँ. हम लोग का सेम ही हमारे नेता आप भाई, फ्यूचर में हम तो आपको देखना चाहते हैं. तो गौरव भाई बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी वीडियो ये देख रहा होगा वो प्लीज शेयर करे, कमेंट करे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करे. तो मैं इतनी अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ. धन्यवाद. आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी ना, बस यार दिल खुश हो गया. एकदम अनएक्सपेक्टेड वाली बातें बोल दी आपने सारी और बहुत अच्छा लगा भाई रियली आपसे मिलके. आज इतने दिनों बाद मिलेंगे भाई जल्दी, ठीक है? मिलेंगे, ओके जी. चलो ठीक है भाई, ओके भाई, ओके भाई जी. अभिलाष भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा भाई आज. और अब मैं जा कर आ रहा हूँ भाई, मैं आपको बता देता हूँ भाई. मैं जा रहा हूँ अभी जनकपुरी. जनकपुरी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई आज उधर है पापा जी की शपथ ग्रहण, तो उन्होंने भाई इन्वाइट किया उसमें, तो इसी वजह से भाई आज मैं उधर जा रहा हूँ. तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और फिर आज ज्वाइन कराते हैं आपको शपथ ग्रहण का कार्यक्रम. तो यहाँ पर होना है भाई आज का प्रोग्राम, ये पड़ता है भाई गाजियाबाद में. और अपने हाथ में आ चुका है भाई आज का इन्विटेशन कार्ड. तो फाइनली हम अंदर ऑडिटोरियम में पहुँच चुके हैं भाई. आप सामने देखो लिखा हुआ शपथ ग्रहण समारोह, तो यहाँ पर सारा प्रोग्राम हो रहा है. जो भी पार्षद के साथ के लोग हैं सारे ऊपर की लॉबी में बैठे हुए हैं और जितने भी पार्षद है भाई आप ही देखो वो नीचे, ये सारे नीचे पार्षद बैठे हुए हैं. तो जितने पार्षद हैं सब नीचे बैठे हुए हैं और बाकी के लोग सब ऊपर. तो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम भाई शुरू हो चुका है. प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के तीसरे नंबर पर खड़े हुए हमारे, मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा. बधाई. भाई सच बताऊं मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आगे ये बताना और किस चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है. अब बताओ क्या कह रहे चदा चदा के शपथ ग्रहण है भाई. अब जो है प्रोग्राम हो चुका है खत्म, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर. तो फटाफट से बाहर निकलते हैं, उसके बाद हमें भी बातें करेंगे. तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी शेरनी के पास. अब फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं अपना आगे के लिए. भाई कल ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ से आया, उसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं करवाया था. तो आज फिर दोबारा इस वाला व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. और अभी मैं आया हुआ था अपने देवता पे, यहाँ पे दूध चढ़ा कर निकल रहे हैं. तो आज के दिन का जो भी होगा वो सब आपको इस व्लॉग में दिखाते रहेंगे. फिलहाल आज इस व्लॉग को पूरा करेंगे. तो अब चलते हैं घर के लिए. पहले तो स्कूटी से आए हैं, देख लो भाई. तो भाई बस स्कूटी को लेते हैं और चलते हैं अपना घर के लिए फिलहाल. Thank you.
तो आज हमको ज्वाइन करने आ चुके हैं कौन? गुप्ता जी। गुप्ता जी तो गुप्ता जी घूम आए केदारनाथ? हाँ जी घूम आए केदारनाथ। करे बाबा के दर्शन अकेले? अकेले बिल्कुल करिए, अकेले अकेले नहीं, बहुत सारे लोग गए थे। हाँ तो भैया हमें तो लेके नहीं गया, हमको तो अकेले गया तू भाई। झूठ लेके जाते तब बात है, झूठ मत बोलो। मैंने कहा था चलो, अब तू ले जा रहा है ट्रेवल अंत है। बता यार हम कैसे जाते, आज तक कदी ना गई बस बस में यार। अरे यार बहुत सारे लोग थे, क्या करें। अच्छा जी। हाँ अब तू ले लेता एक बड़ी सी गाड़ी तो ले चलते वही। तो मैं वैन खरीद लू। तो भाई आज दोनों भाई अपना निकल चुके घर से और चंडे बनाने के लिए बाहर निकले आज, तो देखते हैं कहाँ जाए। कहाँ नहीं, फिलहाल अभी घर से निकलते हैं। देखो निकलते ही बाधाएं आ गई, गाड़ी बीच में खड़ी कर करके चले जाते हैं, पर उसी की वजह से भाई थोड़ा सा जाम लग जाता है। तो कोई नहीं, चलो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। हम दोनों भाई घर से निकल चुके हैं और जा कर रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं शॉपिंग पर। ऐसा है भाई देखो, फ्यूचर में करना है भी ट्रिप बहुत जल्द, जैसे कि मैंने आप सबको बोला हुआ है, तो जल्दी ही अपना ट्रिप वगैरह चालू हो जाएंगे। तो उसको लेकर के ना मैं अपनी शॉपिंग जो है कर रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए। तो बस उसी के लिए भाई अपना निकल चुके हैं। तो आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो कि ट्रिप की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्दी ही माता रानी की कृपा रही तो भाई जल्दी निकलेंगे अपना ट्रिप के लिए, ठीक है। तो चल रहे हैं दोनों भाई, साथ में पवन भाई है अपने। तो हमारी बैठे बैठे इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग हो रही है। हम डिस्कस कर रहे थे कितना टाइम कहाँ जाने में लगेगा, प्लानिंग। ऐसा बात हो रही है जैसा पता ना अभी निकल रहे हो। भाई अच्छा ये चेक करूं, चिपचे जाते उधर देखो कितने घंटे लगेंगे, अभी पता करता हूं। तो भैया ये तो आदमी है, वीरा तक बात ये वो वाले आदमी है जो बोले बोले करे कुछ ना। चलेगा मेरे साथ ट्रिप पे अभी? अभी तो नहीं। देगा देगा भाई, देगा देगा देगा। अरे वैसा यहाँ चल रहे हैं वहां चल रहे हैं, बस अब मैं एक बात याद आ रही पर मैंने की चल छोड़ो। दिल्ली में भाई बस यही दिक्कत है, एक अपना घर से निकलो तो सीधा एकदम जाम मिल जाता। मैं सोच रहा था पवन कि आज यार संडे है तो शायद आज जाम वाम नहीं मिलेगा इतना। भाई इस रूट पे तो हमेशा मिलता ही मिलता है, कभी संडे हो चाहे मंडे, ये तो है ट्रैफिक का एंजॉयमेंट लो इस रूट पे आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पूरा जाम लग रखा है अभी और जहाँ में पहुँचना देखो भाई पूरा लगेगा अभी कम से कम 17 मिनट और। तो जाम से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और भैया साथ में ले रखे नींबू छोटा। आंटी जी हमें, बाबू जी ने तो पी भी लिया। और आंटी जी साइड में देख रही हैं। कौन आंटी जी? मोटरसाइकिल पे ये साइड में। हाँ। चलो कोई नहीं भाई बढ़िया, देखन दो जल्दी वो एल घुमा। आंटी जी ने नजर हटाई, शर्मा जावे ना हर कोई, तुरंत शर्मा जावे। और भैया हमें ले लिया। चलो भाई कोई नहीं, जाम भी इंजॉय करते हैं और साथ में गर्मी को भी इंजॉय करते हैं। तो अपना खोल लेते हैं इसको, देखो भाई साइड में कौन सी गाड़ी आ गई है। मतलब क्या करें हम तो भाई, इन गाड़ियों से बड़े परेशान हैं। ये देख लो भाई, हम सोचे इनसे दूर हो तो ये और करीब आती आती चली जावे। भाई अपनी शॉपिंग हो चुकी है डन, अब निकल रहे हैं अपना घर के लिए। काफ़ी देर हो गई भाई, कम से कम 5 बजे ना गाने भाई, पेट लगाने चलो ये लगा लो भाई, 5 बजने वाले हैं और हम यहाँ पे कम से कम 2:30 या 3 बजे के आ रखे हैं। इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करने में, ये नहीं वो नहीं ये नहीं ऐसे ही वो, ये कलर वो कलर है भाई। अरे भैया छोटा मोटा काम है शॉपिंग करना, कर बड़ी टेढ़ी खीर है। फाइनली अब हमारा जो काम है वो हो चुका है डन, तो बढ़िया एकदम शॉपिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना चल रहे हैं यहाँ से अपना घर के लिए। भाई नेविगेशन देखो 44 मिनट दिखा रहा घर पहुंचने पूरे, और वो भी लाल में। संडे के दिन का भी कोई फायदा नहीं है, सोच के निकले कि संडे के दिन जा रहे हैं तो शायद थोड़ा रास्ता रास्ते खाली मिलेंगे, पर भाई कोई फायदा नहीं है, वो भी ट्रैफिक वो भी सब कुछ मिलता है भाई। अब संडे भी संडे वाले ना रहे जो बात है। क्या हो गया? क्या हुआ बताओ, क्या हो गया? पूरी टी शर्ट गंदी पड़ी है। अरे क्या हुआ बताओ, क्या आते दादी साइकिल चलवाऊं आपको?
देखो जानू भैया आ गए हो यार। काऊ आपको टक्कर मारने वाली थी तो आप भी इसको टक्कर मार देते है? आप काऊ को टक्कर मार देते तो ओ तेरी, चलो चला के दिखाओ जल्दी, बढ़िया बेहतरीन वाली। हाँ ब्लॉग में लूंगा। ओ भाई ओ भाई तगड़ी साइकिल चला रहा लांडा है, इतनी साइकिल चला ली फिर तोड़ दिया टायर। ये टायर भाई कम से कम भी कोई ना ना करके भी 10 किलो बेर सही करवा ले फिर तोड़ लाया। जानू लग रहा साइकिल चेंज करनी पड़ेगी आपके हिसाब से है ना, बार बार टायर तोड़ के ले आते हो यार आप भी। तेज भी तो चलाता हूँ। तो तेज भी चलाता हूँ, धीरे चलाया करो। क्यों तेज नहीं चलाऊं? नहीं तेज मत चलाया करो, धीरे चलाया करो। ठंडी हवा लगती है, पहली पिची ना आए ठंडी हवा लगती है। अच्छा तो भाई व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। खुशखबरी ये है कि अपना नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने ट्रिप की तैयारी जो है वो हो चुकी है पूरी। तो कल ही मैं निकल रहा हूँ अपने एक नेक्स्ट ट्रिप के लिए, तो साथ में चलेंगे, बताऊँगा कहाँ जाएँगे कहाँ नहीं वो बताऊँगा पर अगले व्लॉग में। तो ट्रिप देखने के लिए बने रहना भाई और ट्रिप को ज़रूर देखना भाई। तो ठीक है इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और होप करता हूँ आप आज के व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना थी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो ठीक है मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, राम राम जी।